नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास कुमार और आज हमारे साथ हैं अजीत कुमार सिंह। अजीत कुमार सिंह मूलतः बांका धोरैया के रहने वाले हैं, लेकिन विगत 20 साल से भागलपुर में रह रहे हैं और भागलपुर के विकास से जुड़े मुद्दे से भली भांति वाकिफ हैं। अजीत कुमार सिंह मानव अधिकार संगठन के महासचिव हैं, लेकिन सूचना अधिकार कार्यकर्ता से काफी चर्चित हैं। आज बात होगी, क्यों नहीं उड़ पाया है भागलपुर से अभी तक हवाई जहाज, क्यों नहीं बन पाया है अभी तक भोलानाथ पुल, भागलपुर को क्यों नहीं मिल पा रहा है जाम से निजात, क्यों बंद है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज नाथनगर, क्यों नाले की पानी से होकर गुजरना पड़ता है जैन मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को। साथ ही हम जानेंगे क्यों नहीं खुला भागलपुर में रेल मंडल कार्यालय और क्यों नहीं हो सका भागलपुर शहर स्मार्ट, और बात होगी भागलपुर के स्वास्थ्य व्यवस्था की। हमारे साथ अजीत कुमार सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने इस मुद्दे पर ये परिचर्चा का आयोजन किया। सर, इससे पहले की सवालों से शुरुआत हो, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर आपको लोग क्यों जानते हैं और क्यों आप चर्चित हो गए? चूंकि आरटीआई के द्वारा ही हम हर एक मुद्दे पर नजर रख पाते हैं और हमारी लड़ाई जो होती है मानव अधिकार की लड़ाई, पीड़ित मानवों की लड़ाई, तो उसमें जो है तो हम सूचना अधिकार का प्रयोग अस्त्र के रूप में करते हैं। इसीलिए सूचना अधिकार को लोग सूचना अधिकार कार्यकर्ता के रूप में मुझे जानते और पहचानते हैं। सर, पहला सवाल कि क्यों नहीं अभी तक जो है मुद्दा वर्षों से जो रहा है हवाई जहाज का, और ये मुद्दा आज तक मुद्दा है और बिहार विधानसभा का चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या फिर एक बार ये मुद्दा ही रहेगा? सर देखिए, हमको तो लगता है कि मुद्दा को मुद्दा बनाए रखो और तब तक वोट लेते रहो, क्योंकि इसी के कारण जो है सो आज तक यहाँ से हवाई जहाज नहीं हो रहा। और ये जो उड़ान योजना भारत सरकार ने लाया, उसमें भागलपुर भी हमारा शामिल था, फिर भी यहाँ से उड़ान योजना का संचालन नहीं हो पाया। ये भागलपुर के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है और कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता भी परिलक्षित होती है। और ये हवाई जहाज, हवाई अड्डा है, सब कुछ है, होते हुए हम पुराना शहर होते हुए भी हमारे यहाँ से हवाई सेवा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सर, दूसरा मुद्दा बरसों से भी रहा है और खासकर हवाई जहाज जो है भोलानाथ पुल जो समस्या है, और ये जो मुद्दा है ये हवाई जहाज से भी ज्यादा पुराना मुद्दा है सर, और ये आज भी मुद्दा है। देखिए, भोलानाथ पुल जो है सो बहुत बड़ा ये दुर्दशा है। अभी हम दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन थोड़ी सी बारिश हो जाने पर जो है उधर से गुजरना लगता है, नर्क से गुजर रहे हैं, नाले के पानी में लोग घुसकर गुजरते हैं। मुझे लगता है कि दक्षिणी क्षेत्र का विकास अब तक नहीं हुआ है और इसके साथ जो है सो सौतेला व्यवहार यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है, चाहे नगर निगम हो या अन्य हो। लेकिन ये भोलानाथ पुल जो है सो इसमें हम 2011-12 से लगातार सुनते आ रहे हैं कि इसमें ये प्रक्रिया हो गई है, इसमें NOC मिल गया है, इसमें ये हो रहा है, रेलवे से ये चर्चा हो रही है, अब जो है सो भोलानाथ पुल बनेगा। पिछले चुनाव में ये हुआ कि इस बार तो भोलानाथ पुल इस हो ही जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बना। इसको भी मुद्दा ही बनाए रखा गया है और इसे कागजी प्रक्रिया में उलझा के रख दिया है, और जब तक ये भोलानाथ पुल नहीं बनता है तो दक्षिणी क्षेत्र का विकास भी अवरुद्ध रहेगा। सर, जाम की जो समस्या है, खासकर अब देखा जाए तो पहले तो जो है ट्रक जो है बड़ी गाड़ियों को लेकर, लेकिन बाईपास के निर्माण के बाद वहाँ की ट्रक का परिचालन जो है बाईपास के माध्यम से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जाम की समस्या में निजात नहीं मिल पाई है। देखिए, जाम की समस्या जहाँ तक है, यहाँ पर भागलपुर एक पुराना शहर है और यहाँ पर अतिक्रमण जो है सो काफ़ी है, और अतिक्रमण से भी निजात मिलना चाहिए। अतिक्रमण से निजात मिलने के बाद थोड़ी सी जाम से राहत मिल सकती है। और हाल फिलहाल में जो यहाँ पर नाले का निर्माण किया जा रहा है नगर निगम द्वारा, तो दोनों साइड नाले का निर्माण ढक्कन युक्त हो रहा है, जिससे रोड की चौड़ाई बढ़ रही है, लेकिन नगर निगम की निष्क्रियता के कारण पुनः उस पर जो है सो सीढ़ी या अन्य स्लोप बनाकर उसको अतिक्रमित कर लिया जा रहा है।
तो इस पर अगर नगर निगम ध्यान नहीं देगा तो फिर रोड की चौड़ाई वही हो जाएगी और फिर हम लोग जाम से उसी प्रकार से जूझते रहेंगे। अगर नगर निगम थोड़ा सा अभी ध्यान दे और इस तरह के अतिक्रमण को रोके तो हमको लगता है तो थोड़ी सी रोड चौड़ी होगी और हम लोग कुछ हद तक इससे निजात पा पाएंगे। दूसरी बात रही कि हमारा बाईपास और ये पुल, हमको लगता है कि इसके निर्माण में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, इसको भविष्य में रखकर नहीं बनाया गया है। अगर यही बाईपास का निर्माण हमारा जगदीशपुर के आगे से होता तो हमारे भागलपुर शहर का फैलाव जगदीशपुर तक होता और हम लोग जो है सो काफ़ी सुकून महसूस करते और जाम से भी हमको निजात मिलता। अब अभी जो बाईपास है वहाँ तक हमारा शहर पहुँच गया, जब तक बाईपास का निर्माण हुआ वहाँ तक शहर का फैलाव हो गया। और जो बाईपास बना है और जो पुल बना है इसको थोड़ा सा, इस पर हमको लगता है जनप्रतिनिधि को संज्ञान में लेना चाहिए था और इस पर, इसको भविष्य को देखते हुए इसका निर्माण पुनः ये किया जाना चाहिए, इस पर निर्णय लेना चाहिए। जैसे अभी फिर हुआ है कि इसके समानांतर ये पुल बनेगा गंगा ब्रिज, तो एक अच्छा पहल है लेकिन वो बन जाए, जल्द से जल्द बन जाए, हम लोग उस पर आवागमन कर सकें तो एक सौभाग्य होगा। बिल्कुल सर, देखा जाए तो भागलपुर जो है अपने आप में एक धरोहर है और एक से एक तीर्थ स्थल सजोए बैठा है भागलपुर, जैसे कि कुप्पा घाट और अपना बटेश्वर स्थान, खासकर देखा जाए अंग की धरती कर्णगढ़, ऐसे में अगर जब बात आती है सर तो एक बहुत चर्चित स्थल जो है जैन मंदिर का नाम सामने आता है, लेकिन जैन मंदिर की वर्षों से जो स्थिति रही है कि वहां पर जाने वाले जो स्थानीय लोग हैं और खासकर जो तीर्थ करने के लिए लोग आते हैं, जैन समुदाय के लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिर के, नाले की पानी घुटने भर पानी से वो गुजरते हैं और वो पानी दुर्गंध युक्त पानी नाले की पानी होती है, इससे अभी तक निजात नहीं मिल पाया है लोगों को। देखिए ये श्री चंपापुर जैन सिद्ध क्षेत्र है और वो जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा सिद्ध क्षेत्र है और हमको लगता है कि भारत में वो दूसरा स्थान है। यहाँ पर काफ़ी जैन मुनि आते हैं, काफ़ी धर्मावलंबी सब आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाले की दुर्दशा है और जो रोड की दुर्दशा है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये अब तक नहीं बनना, ये हम लोगों को शर्म आता है कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा तीर्थ स्थल होने के बावजूद उसके प्रति यहाँ के प्रतिनिधियों का, यहाँ के नगर निगम का और यहाँ के प्रशासन का निष्क्रिय रवैया ये खुद अपने आप में शर्म उत्पन्न कर देता है। रही कि ये जैन मंदिर के लिए 2016 ईस्वी में उस नाले से निजात देने के लिए 2,37,38,00,000 रुपए का आवंटन हो चुका है नगर निगम को, लेकिन उसमें जो है सो लगातार कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न करके उसको अटकाया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या मानसिकता है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना आवंटन होने के बाद भी और अगर वो नहीं बन रहा है तो इसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं उनको थोड़ा पहल करना चाहिए और जल्द से जल्द उसका निजात दिलाना चाहिए। उसका जो स्तूप है जो काफ़ी ये है वो सब धराशायी हो रहा है, कुछ पोर्शन भी उसका धराशायी हो गया है और इस तरह से अगर जल जमाव रहा तो हमको लगता है कि जैन मंदिर को बहुत बड़ा क्षति होगा और उसकी भरपाई जो है तो यहाँ का नगर निगम भी नहीं कर पाएगा। सर बात नाथनगर की आती है तो एक जो है आयुर्वेदिक कॉलेज जो है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज का नाम सामने आता है जो कि वर्षों से बंद पड़ा है और इस पर यहाँ के ना प्रशासनिक अधिकारी की ध्यान है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि की, ना ही यहाँ के लोग जागरूक हैं, क्योंकि अगर लोग जागरूक हो, लोग अगर पहल करें तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशासन की नजर निगाहें उस पर जाए, लेकिन सभी तरह से ये जो है मामला ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। जी ये अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज नाथनगर बहुत पुराना एक आयुर्वेदिक कॉलेज है। अभी जब आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारे भारत सरकार ने कुछ पहल किया था तो हमें उम्मीद भी जगी थी कि अब अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज का दिन बहुरंगा होगा, लेकिन अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज बरसों से बंद है और इस पर काफ़ी पत्राचार भी हुआ है, इस पर हाईकोर्ट में रीट भी फाइल हुआ था, हाईकोर्ट से जजमेंट भी हुआ है, फिर भी आयुर्वेदिक कॉलेज का चालू नहीं होना ये दर्शाता है कि हम लोग कितना निष्क्रिय हैं। दूसरी बात है क्या कि आयुर्वेदिक कॉलेज नाथनगर
को हमने कभी कभी काफी पत्राचार किया था, तो बिहार सरकार से एक पत्र मिला था स्वास्थ्य विभाग से कि इसको अब पीपीपी मोड पर चालू किया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। और अगर आयुर्वेदिक कॉलेज हमारा नाथनगर चालू होता है तो इससे बहुत बहुत हम लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति और आयुर्वेद के प्रति झुकाव बढ़ते जा रहा है तो लोगों को राहत मिलेगा और कम खर्च में अपना इलाज करा पाएंगे। सर, बरसों से जो है एक भागलपुर में बयार बहती रही है मुद्दे को लेकर, चाहे वो भोलानाथ पुल की मुद्दा समस्या हो या फिर हवाई जहाज का मुद्दा हो, लेकिन एक बयार जो है और बहा था कि भागलपुर में रेल मंडल कार्यालय खुलने वाला है और इसकी जो है बहुत जोरों शोरों से शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, रेल मंडल कार्यालय कहाँ है, नहीं है, कब खुलेगा, तो इसको लेकर भी जानकारी चाहिए। जी, ये रेल मंडल कार्यालय की घोषणा 2009 ईस्वी में तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने किया था और उसके बाद इस रेल मंडल कार्यालय का यहाँ उद्घाटन भी हुआ, यहाँ पर ओएसडी भी बहाल हो गए, यहाँ पर उसके लिए कर्मचारी भी नियुक्त हो गया, यहाँ पर उसका कार्यालय भी रेलवे स्टेशन पर ही खुला था ऊपर, और उसके बाद ये हम लोग ये आशा में थे कि अब रेल मंडल कार्यालय यहाँ पर चालू हो जाएगा और भागलपुर क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर ये रेल मंडल कार्यालय यहाँ से निरस्त कर दिया गया और यहाँ जो ओएसडी के चार्ज में थे, ओएसडी अभी तक है भागलपुर में अपॉइंटेड, लेकिन ये ओएसडी के चार्ज में अब डीआरएम है। तो इस तरह से भागलपुर के साथ भागलपुर को छला गया, सिर्फ तत्कालीन जनप्रतिनिधि ही नहीं, हाल फिलहाल तक यहाँ के जनप्रतिनिधि ने उस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया, उस पर ये किया कि हम रेल मंडल कार्यालय लेके रहेंगे, फलना करेंगे। जब हमने उस पर आरटीआई फाइल करके सारा दस्तावेज मंगा के रखा है तो पता चला कि ये 2013 ईस्वी में ही यहाँ से रेल मंडल कार्यालय को वापस ले लिया और ये भागलपुर से रेल मंडल कार्यालय छिन चुका है। उसके बाद किसी जनप्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर आज तक आवाज नहीं उठाया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्षति है भागलपुर को, इस पर हमें सोचना चाहिए और इस पर आगे पहल भी करना चाहिए। बिल्कुल सर, भागलपुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कोरोना काल में भागलपुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसका पूरी तरह वो खुलकर लोगों के सामने आ गया। वो यहाँ के डॉक्टर हो या फिर यहाँ के पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल मायागंज, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या हो रही है, प्रतिदिन वहाँ से कहीं ना कहीं मरीज जो है अपने परिजन जो है वहाँ खामियां गिनाने बाहर आते हैं और चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था है ही, लेकिन इन सब के बीच दावा किया जा रहा है कि भागलपुर में एक जो है बेहतर स्वास्थ्य हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी जल्द ही शुरुआत की जाएगी। जी, ये मैंने भी सुना है कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, कई बार समाचार पत्रों से भी मुझे पता चला कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि बिहार के लिए एक और एम्स की घोषणा हुई थी तो उस पर हम लोगों ने यहाँ पर, चूंकि हमारे शहर के स्वास्थ्य मंत्री हैं तो हम लोगों को एक उम्मीद थी कि हम लोगों के यहाँ ये एम्स खुल जाए तो भागलपुर क्षेत्र और आसपास के कई जिलों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो इस पर हम लोग यहाँ के नागरिक समाज ने एक आंदोलन भी किया था, तो उसके बाद ये आया कि नहीं, भागलपुर में जो है एम्स नहीं, यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। तो हमने भी देखा कि भाई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संदर्भ में एक जानकारी देना चाहेंगे कि तत्कालीन 2016-17 में हमारे सरकार, केंद्र सरकार ने पूरे देश के 13 मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए चुना और उसके लिए फंड भी आवंटित किया, वहां पर स्पेशलिटी विंग बनना है, तो उसी के तहत यहाँ पर ये सुपर स्पेशलिटी विंग है जो मायागंज का एक भाग है, ना कि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर रहा है, ये मायागंज का एक पार्ट है, ये वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी व्यवस्था होगी
अलग अलग चीज के लिए अलग अलग वार्ड होंगे, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। ये अंग मायागंज हॉस्पिटल का है, ये बिल्कुल 100% मायागंज का एक पार्ट है।